मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। एवेंजर्स एंड गेम की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉलीवुड सितारे। बॉलीवुड में एवेंजर्स एंड गेम की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस स्क्रीनिंग में तारा सुतारिया भी स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुई। तारा करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म में अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ भी अहम भूमिका में हैं। फुकरे एक्टर वरुण शर्मा भी इस स्क्रीनिंग में पहुंचे। इस दौरान वो बेहद कूल लुक में दिखे। एक्टर चंकी पांडे भी अपनी छोटी बेटी रयासा पांडे के साथ नजर आए। कृति सैनन भी अपनी बहन नूपुर के साथ फिल्म देखने पहुंची। बता दें कि डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला और वरदा नाडियाडवाला ने एवेंजर्स एंड गेम की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की थी। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी फिल्म देखने पहुंची। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने एक साथ देखी एवेंजर्स एंड गेम। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों साथ में फिल्म एवेंजर्स एंड गेम देखने पहुंचे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों एक ही गाड़ी से साथ में ये फिल्म देखने पहुंचे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ काम करते नजर आएंगे। रणबीर कपूर ग्रे जीन्स और व्हाइट टी शर्ट में थे, इसके ऊपर उन्होंने चेक शर्ट पहनी हुई थी। वहीं आलिया भट्ट ने जीन्स टॉप पहनी हुई थी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ने ही सफेद रंग के शूज पहने हुए थे। बॉलीवुड पर चढ़ा एवेंजर्स फीवर। मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम भारत में 26 अप्रैल को रिलीज हुई है। फिल्म का जबरदस्त क्रेज फैंस में ही नहीं सेलेब्स के बीच भी देखने को मिल रहा है। शनिवार रात एवेंजर्स एंड गेम का शो देखने शिल्पा शेट्टी और माधुरी दीक्षित अपनी फैमिली के साथ पहुंची। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा और बेटे वियान के साथ एवेंजर्स एंड गेम देखने पहुंची। राज कुंद्रा और वियान दोनों ने एवेंजर्स प्रिंटेड टी शर्ट पहनी हुई थी। श्वेता बच्चन शनिवार रात अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने पहुंची। माधुरी दीक्षित अपनी फैमिली के साथ एवेंजर्स देखने पहुंची। चलती गाड़ी में मोबाइल छीनकर भागे सलमान खान। सलमान की फैन फॉलोइंग किसी भी सुपरस्टार से कहीं ज्यादा है, लेकिन आज सलमान के एक फैन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायती पत्र के मुताबिक व्यक्ति एक निजी चैनल में पेशे से पत्रकार है। उसने अपने बयान में लिखा है कि सलमान के गार्ड से पूछने के बाद मैं वीडियो बना रहा था कि तभी सलमान पीछे मुड़े और अपने बाकी के लोगों को हमारी तरफ भेजा जो हमसे फोन छीनने लगे। तभी सलमान भी अपनी साइकिल से वहां आ गए और मुझसे मेरा फोन लेने लगे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूं तो सलमान ने कहा डजंट मैटर और मेरा फोन लेकर वहां से निकल गए। सलमान से बोली दिशा, अब हमारी होगी वेडिंग। बॉलीवुड फैंस को सलमान खान की ईद रिलीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल रिलीज हो रही भारत का ट्रेलर पहले ही फैंस के दिल में जगह बना चुका है। आज रिलीज हुआ इसका पहला सॉन्ग। भारत का रिलीज हुआ पहला सॉन्ग स्लो मोशन दिल की धड़कनों को तेज कर देने के लिए काफी है। सलमान खान और दिशा पटानी की जोड़ी को साथ देखना काफी मजेदार है। रिलीज होते ही गाना YouTube पर ट्रेंड कर रहा है। गाने को विशाल शेखर और नाकाश अजीज के साथ श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है। सलमान खान ने गाने को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में स्लो मोशन में। वहीं दिशा ने भी गाने को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। अक्षय कुमार के कैमियो ने मचाई धूम, करण भी दिखे बिंदास। डिंपल कपाड़िया की बहन सिंपल के बेटे करण कपाड़िया फिल्म ब्लैंक से बॉलीवुड में धमाल मचाने की तैयारी में हैं। इस फिल्म में करण के साथ सनी देओल भी नजर आएंगे। फिल्म का पहला प्रमोशनल गाना अली अली को रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को अक्षय कुमार ने अपने सोशल अकाउंट से शेयर किया है। इस गाने में करण कपाड़िया के संग उनके जीजा और अभिनेता अक्षय कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। फिल्म का ये गाना बेहद ही जबरदस्त है। गाने के बोल और म्यूजिक तो कमाल के हैं ही, साथ ही इसका पिक्चराइजेशन भी शानदार है। इस गाने को म्यूजिक दिया है आर्को ने, जबकि बी प्राक और आर्को ने इसे गुनगुनाया भी है। गाना शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, भगवान के लिए मैसेज साफ है जो अंत में हमें सारी बुराइयों से बचाएंगे। मुंबई में हुए मतदान में रेखा सहित वोट डालने पहुंचे बॉलीवुड स्टार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में महाराष्ट्र की 17 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिनमें से 6 सीटें मुंबई की हैं, जिन पर कुल 116 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड सितारों में भी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। वोटिंग शुरू होते ही सबसे पहले वोट डालने रेखा पहुंची। रेखा ने बांद्रा के बूथ नंबर 283 में वोट दिया। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन मुंबई के गोरेगांव में वोट डालने पहुंचे। बिजनेसमैन अलीन अंबानी ने वोट डाला। बाड़मेर में हुआ बीजेपी के सनी देओल का पहला रोड शो। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। वह पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को उन्होंने अपना पहला रोड शो किया, जिसमें बेहिसाब भीड़ सड़कों पर नजर आई।
उन्होंने ये रोड शो बाड़मेर से लोकसभा कैंडिडेट कैलाश चौधरी के लिए किया था। कांग्रेस की तरफ से मानवेंद्र सिंह इसी सीट पर लड़ रहे हैं। अपने पहले रोड शो में सनी देओल के हजारों समर्थक सड़क पर दिखे। सनी देओल ने सफेद शर्ट, नीली जींस और आर्मी कैप पहनी हुई थी। फैंस सनी देओल की गाड़ी के पास आ रहे थे और सनी देओल फैंस से न सिर्फ हाथ मिला रहे थे बल्कि उनके दिए तोहफे भी स्वीकार कर रहे थे। पंगा की तैयारी में कंगना रनौत मुंबई में कर रही है कबड्डी की प्रैक्टिस। कंगना रनौत अपनी फिल्म पंगा की तैयारियों में जुट गई हैं। वह इस फिल्म के लिए कबड्डी की प्रैक्टिस कर रही हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया। धूप और गर्मी के बाद भी फिल्म के लिए कंगना का डेडिकेशन देखते ही बन रहा है। वह ट्रैक सूट में नजर आई। अक्सर देखा गया कि कंगना अपने किरदारों के लिए खूब मेहनत करती नजर आती है। मणिकर्णिका के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की। पंगा की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी कर रही हैं। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान कंगना की तस्वीरें पहले भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। फिल्म की रिलीज डेट 24 जनवरी 2020 फिक्स की गई है। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।